बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मैं एक जो वज़ारत दाखिला की तरफ से ताज़ा तरीन रिपोर्ट शेयर की गई है, जो वो शेयर करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। इसमें आपको ये मैं पहले वाजह कर दूँ, इसमें वो बंदे नहीं आते हैं जी जिनके इकामे एक्सपायर हैं। कौन से मैं आपको बताता हूँ। मैं वैसे इकामा वालों के मतलब भी यहाँ पर है, लेकिन इकामा के बंदे जो नहीं आते हैं उससे आपको अपडेट कर देता हूँ मैं। जो हरूब वाले इसमें नहीं आते हैं उनके मतलब आपको बता देता हूँ मैं। आप बात यह है जी, इन बंदों के मतलब क्यों बता रहा हूँ जो इसमें नहीं आते हैं। हालाँकि पकड़ उनकी भी होती है, लेकिन जो इकामे एक्सपायर हैं पाकिस्तानी सफारा से खरूज लगवा रखे हैं वो इस ज़ुमरे में नहीं आते हैं। आपको ये मैं वाजह पैगाम दे दूं जी, मैं पाकिस्तानी सफारा जद्दा में बैठा हुआ था और ज़ुबैर साहब से एक बंदे ने पूछ लिया जी कि मैं अभी पेपर मैंने आपके पास जमा करवाए हैं खरूज नहाई के। अभी खरूज नहाई के पेपर कैसे जमा होते हैं इसके मतलब मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ और तफसील से सफारा से लाइव और उसके अलावा भी बहुत सी वीडियो शेयर कर चुका हूँ मैं। दो तीन दिन पहले ही मैंने एक वीडियो शेयर की है खरूज नहाई के पेपर कैसे जमा करवाए जाते हैं सफारा में, मुकम्मल आपको पेपर वगैरह दिखाकर। और उसमें खरूज के मतलब अभी छोटा शहर है तो जल्द लग जाता है, अगर बड़े शहर का कफील है यानी कि कफील के मुताबिक तो फिर वो टाइम उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो बहरहाल जी, मकतबे अमल ने खरूज लगाने होते हैं, सफारा ने तो आपकी फ़ाइल वहाँ पर पहुँचानी होती हैं। तो बात करने का मकसद ये है जी, वो बंदा ज़ुबैर साहब से ये पूछ रहा था कि सर मैंने पेपर आपको जमा करवा दिए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ खमीस मुशीद काम के लिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। उसने बोला ये प्रॉब्लम तो है, उसने बोला रस्ते में अगर मुझे छूटता पकड़ ले तो, उसने कहा पकड़ ले तो हम इसमें हमारा तो कोई जुम्मा नहीं है, यानी कि आपका पेपर हमने जमा कर लिया लेकिन इस चीज़ की हम गारंटी नहीं देते हैं कि आपको अगर छूटता पकड़ लेगा रस्ते में तो हम इस नहीं, वो आपको पकड़ ले तो वो पकड़ लेगा, वो आपको तरहील के थ्रू भेज दे फिर वो उसकी मर्जी होगी, लेकिन हमने आपके पेपर जमा कर लिया, मकतब अमल में आपकी फाइल चली जाएगी, वहाँ से खरूज लग जाएगा, आपकी सिम के ऊपर मैसेज आ जाएगा और आप खुद से खरूज नहाई का पेपर निकालिए जवाजा से और जाइए अपने घर में। तो बहरहाल जी, ये तो इकामा एक्सपायर वालों के मतलब मैंने सफारा से, अगर हरूब वालों के मतलब बता दूं तो वो भी सफारा से खरूज लगाकर वो तो भाई 10 दिनों में पहुंच जाते हैं, अगर उनको वो पकड़े जाएँ तो फिर भी जेल में उनको भी 2-4 दिन 5 दिन ही रखा जाता है, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो अभी ये जो मैं आपके साथ तरहील वालों के मतलब पहले आपको अपडेट कर दूँ, मैं यहाँ पर देख लें तरहील लिखा हुआ है 8028 बंदे पिछले 6 से 7 दिनों में तरहील हुए हैं सऊदी अरेबिया की जेल से। इनमें कौन कौन से आते हैं अभी ये सुन लें। अगर एक निज़ाम अल इकामा तो ये 6911 अफराद हैं, यानी कि 7000 ही बोल रहे हैं, 7000 के तकरीबन करीब करीब बंदे मुखालफा निज़ाम अल इकामा के मुतालिक गिरफ़्तार हुए हैं जी। आगे जी, मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद गैर कानूनी तरीके से इंटर होते हैं और निकलते, इनमें भाई 3249 अफराद एन मुखालफा निज़ाम अल अमल, यानी कि 2276 अफराद वो हैं जी जो कि गैर कानूनी तरीके से साइखास का महीना है और काम दिहाड़ी लगा रहे हैं, साइकास का महीना है और काम किसी बड़ी मशीन के ऊपर बैठकर कर रहे हैं, तो वो बंदे भी इसी जुमरे में आते हैं और वो भी देख लें 2276 अफराद वो भी गिरफ़्तार हुए हैं साइकास अमल मंजिली हारस एंड छोटा महीना वाले और काम कफील के बगैर करते हुए।